बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन इन दिनों अपने तलाक के रूमर्स को लेकर काफ़ी सुर्खियों में है। पिछले कई महीनों से दोनों के अलग होने की रिपोर्ट सामने आ रही है। हालांकि अभी तक ना तो अभिषेक और ना ही ऐश्वर्या ने इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि की है। ऐश्वर्या राय इन दिनों अपनी बेटी आराध्या के साथ अबू धाबी में आईफा अवार्ड्स अटेंड करने पहुंची है। अब इसी बीच ऐश्वर्या की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इन फोटो में ऐश्वर्या अभिषेक बच्चन के हाथों में हाथ डालकर ग्रीन कार्पेट पर पोज देते नजर आ रही हैं। इन फोटोज के सामने आने के बाद अब हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर दोनों के बीच सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। अब आपको बता दें इस वायरल फोटो का सच। बता दें साल 2022 की है ये फोटोज, जब अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने एक साथ आईफा अवार्ड्स अटेंड किया था। इस दौरान ये दोनों हाथों में हाथ डालकर ग्रीन कार्पेट पर चलते नजर आए थे। इस दौरान दोनों ने ट्विनिंग भी की थी। आईफा अवार्ड्स 2022 में अभिषेक बच्चन ने ज़बरदस्त डांस परफॉर्मेंस भी दी थी। इस दौरान उनकी बेटी आराध्या ने उन्हें जमकर चीयर किया था। ऐश्वर्या भी अभिषेक की परफॉर्मेंस के दौरान सीटी बजाती नजर आई। पहले भी बता दें अनंत अम्बानी और राधिका मर्चेंट की शादी में जहाँ ऐश्वर्या राय अपने बेटी आराध्या के साथ अलग नजर आई थी, तो वहीं पूरा बच्चन परिवार भी अलग ही दिखा था। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद दोनों के तलाक के रूमर्स ने जोर पकड़ा था। इतना ही नहीं, पेरिस फैशन वीक में भी ऐश्वर्या के साथ अभिषेक बच्चन मौजूद नहीं थे, लेकिन ऐश्वर्या राय ने उनकी एंगेजमेंट रिंग पहनी हुई थी। ऐसे ही एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की और खबरों के लिए बने रहिए स्पीड न्यूज़ के साथ।